केसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं के संग बैठक की। गोंडा के पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केसरगंज से बड़ी जीत का दावा किया है। दरअसल ब्रजभूषण का टिकट काट कर उनके बेटे करण भूषण को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि मैं रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक तरीके से मुझे रिटायर समझ लीजिए, लेकिन अभी रिटायर हुआ नहीं हूँ, अभी असली खेला होना बाकी है। सांसद ने कहा कि आप सभी मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरा थोड़ा बागी तेवर है और समय समय पर मैं बागी तेवर दिखाता रहता हूँ। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने आगे की राजनीति, अपने आगे के कदम को लेकर कहा कि हो यह वही जो राम रच रहा। सांसद ने कहा कि उनके सामने उनका बेटा सफल हो रहा है, यह खुशी की बात है। अभी आपने कहा कि खेला अभी बाकी है, तो आपका मतलब क्या है इससे? क्या मैं रिटायर हो गया हूँ? हैं? अभी इतना फिट हूँ तो कुछ खेल नहीं करूँगा? कैसा खेला होने वाला है? हैं? कैसा खेला होने वाला है? वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराएंगे। आप तो कुश्ती के शौकीन हैं, फिर वॉलीबॉल खेलने लगेंगे। चलिए और बढ़िए। शर्त आपने लगाया कि एक तरफ मेरा पेंशन और दूसरी तरफ सैलरी। वो पदम सेन जी से कुछ बातचीत चल रही थी, तो उसी में मैंने हंसी मजाक में कहा भाई अब आपकी मैं आप अपना सैलरी लगाइए, मैं अपना पेंशन लगाता हूँ। पदम सेन जी से थोड़ा नीचे कर लीजिए, कुछ पूछिए, पूछ रहे हैं। बागी तेवर होने वाला है आप? देखिए मैंने कहा, देखिए मैं तो सच्चाई बोलता रहता हूँ समय समय पर। अब आपके समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ, मैं तो समय समय पर बोलता रहता हूँ और सच्चाई जो होती है वो बोलता रहता हूँ। आप नेता कौन है? आप नेता कौन है? हमारे नेता मोदी जी हैं। तो योगी जी नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी नेता किसको मानते हैं? योगी जी क्या है? हमारे नेता मोदी जी हैं। योगी जी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अभी तक ये सवाल भी उठ रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे, लेकिन इनका ये बयान एक सवालिया निशान जरूर छोड़ रहा है।